were having a very important discussion yesterday on Insta Live. And he has not believed me कि हम जब घर मोरे परदेसिया के लिए शूट कर रहे थे तो एक सरगम था, एक आलाप था, which we both had to sing. And Varun is saying, are you mad? How can Madhuri ma'am be nervous? I said, she said कि मैं तो nervous थी ही उनके सामने perform करने वक्त, पर वो भी nervous थी मुझे देखकर. I said, No, that's not what I said. We have proof. I said कि हम दोनों nervous थे सरगम को गाते समय. I said ये feeling मुझे और आदित्य को हो सकती है कि तेरे को देख के हम लोग nervous हो जाएं. Will you let ma'am speak? So आप please बोलिए कि yes, we were both very nervous. Don't tell her what to say. No, wait, 1 minute. We were very nervous क्योंकि इतनी लंबी सरगम इतनी complicated थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि what is the shortcut to do this, right? कैसे इसको मतलब कैसे शॉर्ट हैंड में कुछ सीख के उसको कुछ and then I just copied you. So that's what we did. Is there a hook step? To the sarga. You've been away for very long. I want to learn one of these. Sanju sir, आपने भी आलिया के साथ काफी scenes किया, आपको भी nervousness हुई? जैसे हाँ बहुत nervous हुआ यार. कलंक के बारे में आप तो जानते कि कुछ कलंक ऐसे होते हैं जिसका हकदार इंसान होता है, पर कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो थोप दिए जाते हैं. तो कलंक को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? मुझसे? जी सर. मैं तो कलंक क्यों यार? नहीं सर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोप दिए जाते हैं सर. तो पहले आप शुरू किया था और मैंने कमाया भी, लेकिन अभी वो कलंक साफ हो गया ऐसा लग रहा है. पिछले हफ्ते मैं शूट कर रहा था तो चेस सीक्वेंस था, तो एक फाइटर टेढ़ा गिरा और मैं फिसल के गिरा तो मेरे कंधे और घुटने पे कलंक आ गया, वो थोपा गया था मेरे पे, वो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए. वरुण सर, आपको याद होगा आपने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इंशाल्लाह, RRR, ये वो. तो आगे याद रखना कि आगे हम सबके साथ काम नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है. तो ये मजाक था या आपको लगता है, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा? आपको क्या लगा सर? आपको लग रहा है कि आप CID पे हो अभी? इस तरीके से नहीं सर, तहकीकात कर रहे हैं हमारे साथ? कुछ तो लग रहा होगा सर आपको, कुछ तो लग रहा होगा. मैंने कहा था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो ट्रिलॉजी है मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था. नो, बेसिकली मैंने कहा था कि अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए. और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे, तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा. मेरा सवाल कुणाल जी आपसे है, ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द टर्मोइल दैट हैज हैपेंड इन द फिल्म, सो आप अपने कैरेक्टर बारे में पहले बताइए प्लीज. यार मैं अपना कैरेक्टर 17 को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ, तो मुझे भी तभी पता चलेगा. सो आई एम आल्सो नॉट श्योर इफ ही इज पॉजिटिव नेगेटिव. पर ये सच है, ये सच है, क्योंकि ऐसे कई दिन गुजरे हैं सेट पे पर जब कुणाल बैठे रहते थे और ही विल बी आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. कुणाल एक्चुअली ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल इवन व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म, व्हिच ओनली मी एंड आदित्य नो अबाउट. सम पर्सनल मेमोरीज ही रिलिव्ड इन. या वो अक्सर मतलब अपने आप को रूम में अकेला बंद कर देते थे, वो निकलते ही नहीं थे रूम से. ही वाज इन कैरेक्टर. हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार कुणाल बाहर आ, खाना खा, थोड़ा घूम फिर हम लोग के साथ. वो दिखता ही नहीं था रूम में अकेले. बट इंडिया गो गो कार्टिंग. जिसने मतलब आपके घर पे लोगों को इफेक्ट किया, आपके बिल्ली को, बहन को या किसी को, मतलब कुछ ठेस पहुंची है उनको कभी आपके डिसीजन के वजह से? मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है. Okay, सबकी जिंदगी बर्बाद हुई हो, बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू मेक सम डिसीजंस इन एंगर जो आप बाद में रिग्रेट करते हो, और वो तो सबके साथ होता है. बट आई डोंट थिंक आई हैव रुइंड एनीबडीज लाइफ बिकॉज ऑफ इट. वी डोंट नो. या आई एम टेलिंग यू, आई कांट से ना, मुझे क्या पता कोई बेचारा लड़का किसी को ठेस पहुंची हुई कोई दूसरे. मेरी बोली है बंदूक की गोली. कीप क्वाइट. वरुण, नाजायज रिश्ते के बारे में थोड़ा सा इलाज. नाजायज रिश्तों के बारे में आप बात करना चाहते हैं? किसके बारे में? अबाउट नाजायज रिश्ता. हां, एज इन अफेयर्स. अफेयर्स चीटिंग. मजा आ रहा है आपको? नहीं मैम, माधुरी मैम का डायलॉग है और लगता है कि आपका कुछ नाजायज रिश्ता है उसमें. रिश्ता किसके साथ? आलिया. आलिया. रील पे रियल में नहीं, नहीं तो मार खा जाओगे बाहर. नहीं मार वार की बात नहीं है. आई थिंक जिस तरीके से फिल्म में दिखाया है, आई लेट यू ऑल एक्सप्लोर दैट ऑन 17th April. बट अगर आप रियल लाइफ में नाजायज रिश्तों के बारे में बात करिए तो आई थिंक आदित्य बेटर आंसर देगा. व्हाट? व्हाई ब्रो? यू थ्रोइंग मी अंडर द बस. आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस टॉपिक.
Let's keep it to film questions, please. You have said that Zafar is the physically and mentally the toughest character you have played. You've also played a very dark character in Badlapur, and you played a character in Sui Dhaga where you had to take an accent and all this difference. So how does this character Zafar become more physically and mentally tougher than those characters? Actually, Zafar ke zindagi mein jo ghatnaye ghatti hai, everything that he has to go through while growing up in his life forms the person he is, like most people are. तो एक तरीके से क्योंकि ये पीरियड फिल्म है, मैं हमेशा सोचता था कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा इस फिल्म के साथ, यू नो, हाउ विल आई आइडेंटिफाई. बट जो हमारे डायरेक्टर है अभिषेक, वो रोज़ एक्चुअली मैं 2 घंटे उनके साथ बस जफर के बारे में बात, अबाउट हिज चाइल्डहुड, मैं बस उनको प्रश्न पूछता रहता था कि यार ये बचपन में क्या हुआ होगा, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड कि यार ये इंसान ऐसे बनता जाता है. और हर चीज़, मतलब कुछ भी हो जाए उसके ज़िंदगी में, ही विल ऑलवेज कम आउट विद अ स्मोक. एक थोड़ा सा एरोगेंस है इस कैरेक्टर में जो मैंने शायद अब तक नहीं निभाया है, एन एरोगेंट कैरेक्टर. तो थोड़ा सा एक एरोगेंस है इस कैरेक्टर में, बट उसे लगता है कि हक है उसे एरोगेंट रहने का, और लोग रहते हैं ऐसे जिंदगी में. देयर इज अ सीन इन द फिल्म वेयर अपेरेंटली यू एक्चुअली गॉट ड्रंक सो दैट यू कुड इनएक्ट दैट सीन बेटर. इट्स इन माय कॉन्ट्रैक्ट नाउ. मेथड एक्टिंग. टू ऑलवेज गेट ड्रंक. या आई हैव प्लेड अ फ्यू नाउ. इट्स बीन अ फ्यू. या सो यू वर सेइंग, सो इफ यू कुड टेल अस समथिंग अबाउट दैट सीन एंड हाउ वाज इट. I haven't seen the trailer, so that was a scene that we did together. Because he was late. That we screamed. So you want to know if I got drunk or I didn't get drunk? How did you manage? How did I prepare for it? Despite being drunk, let me put. Despite being drunk, she's saying you were drunk. You were supposed to act. I was supposed to act drunk. So you were drunk. So I was drunk. So you acted drunk. Exactly. But you didn't act. You were drunk. Yeah. That's what you're saying. Very confusing. Alia and Varun had danced on your recreated number Tamma Tamma. In fact, even Sanju sir was there. And when that video had come out, everybody was waiting when y'all three would come together, and then eventually all four. Now that you all four have come together, how was the experience of working? Wonderful. I think it was fate. Fate was reckoning ki ye hone wala hai, ek din hum charo kaam karne wale ek saath. Kyunki Tamma Tamma se jo shuruaat hui, वो शायद इसमें कल्मिनेट हुई. और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके. बहुत होनहार एक्टर्स हैं, आलिया, वरुण, आदित्य, सोनाक्षी, खेमू एंड ऑफ कोर्स संजय सर. मुझे ये नहीं, मैं माधुरी बोला. बट आप लोग यू आर वर्किंग आफ्टर 22 इयर्स, मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी. Respect, you know. Respect. नहीं, मैं भी बहुत respect करता हूँ. We have been over this on the same stage. Yeah. Why you? So anyway, so it was fun. और दो characters जो हैं इसमें बहुत ही उलझे हुए हैं, right? Everybody has their own story. They सबकी एक अलग अलग कहानियाँ हैं, back stories हैं. और जैसे वरुण ने कहा, that is what determines who they are. उनकी जो experiences रहे हैं उसकी वजह से वो बने हैं, और कैसे पूरे lives हमारे सबके इंटरट्वाइंड है, एक साथ मिले हुए हैं. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. काफ़ी सीरियस और बहुत कम डायलॉग, तो कुछ आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे. आई थिंक दिस ये मेरे करियर का एक बहुत ही स्पेशल किरदार रहा है. जिस तरह की औरत सत्या है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी सैक्रिफाइसिंग. वो हमेशा अपने फैमिली को बांध के रखना चाहती है, एंड हमेशा उनका भला अपने से पहले देखती है. सो आई थिंक इट्स यू नो इट्स इट टेक्स रियल स्ट्रेंथ टू पोर्ट्रे अ वुमन ऑफ दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एज वेल. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा व्हेन इट केम टू सत्या. एंड इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ माई एंटायर करियर.